आज हम आ गए हैं सुबह सुबह एक रंच में। ये रंच का नाम है दे लॉस क्विटिस। ये एक स्पैनिश फैमिली ने बनाया था और बहुत ही अमीर थे लोग। तो अभी ये रंच में कोई घोड़ा ये सब हॉर्स कुछ है ही नहीं, तो अभी इसको प्रिजर्व करके रखा है। जो ये स्पैनिश जो पर्सन ने बनाया था उनका नाम था लियो कैरिलो। तो उन्होंने ये रंच बनाया और बहुत ही शौकीन थे। तो आप लोग को आज मैंने वही दिखाऊंगी जो कैसे उनका लिविंग स्टाइल था। और यहाँ पे वो स्विमिंग पूल भी है और केयर टेकर का हाउस है और उन लोग का किचन है। काफ़ी सारा चीज़ है जो ये हिस्टोरिक प्लेस में, तो वही आप लोग के साथ मैं थोड़ा शेयर करती हूँ। ये जो जगह दिख रहे हैं ना, ये है घोड़े का अस्तबल, घोड़े रखने का जगह। यहाँ पे जो ओनर थे ना, उनका ये रहने का जगह था, ये उनका घर था। और पूरा बोगेनविला से बहुत फ्लावर और काफी सारा कैक्टस से ये सजा हुआ है। ये जो सब देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक एक रूम में ये लोग रहते थे। এখান দিয়ে যাওয়া যাবে আবার? यहाँ पे कुछ कैक्टस देखने के लायक है, इतना बड़ा इतना सुंदर। असाधारण। ये है बार्ड ऑफ पैराडाइज। और वो जो चेयर और टेबल देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी वो लोग बैठते थे पहले। बहुत पुराना ये जगह है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना है ये। यहाँ से वो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे लियो कैरिलो यहाँ पे नहाते थे। और पास में ही उनका बार काउंटर भी रखा है। ये बार काउंटर पता है कितना पुराना है? पूरा लकड़ी से बना हुआ है, तब का मॉड्यूलर किचन है ये, बहुत सुंदर है। यह है इनका लकड़ी का बना हुआ बार काउंटर। यह है फायरप्लेस। ये देखिए कितना पुराना हाउस है। और उनका जो दीवार है, जो ईंटा है, ये देखिए कैसे है। और लकड़ी भी एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी था जिसमें दरवाज़ा और विंडो सब बने हुए हैं। ये है, ये देखिए इनका बारबेक्यू है। এই দেখটা দেখ কি সুন্দর, ওদের কিচেনটা দেখেছিস? হ্যাঁ আমি আসছি। ये लाल कलर का सीढ़ी देखिए कितना पुराना है, लेकिन अभी भी एकदम ठीक है। আমরা তো দেখিনি এর আগে।
एक चीज देखा, यहाँ पे बहुत मोर है, पीकॉक है, और उसका आवाज पूरा गूंजते है। अरे बाबा, वो तो खरगोश है, वो देखिए खरगोश जा रहा है। ये सारे जंगली खरगोश है। यहाँ पे एक एक रूम के अंदर हमने देखा है, तो मैंने वीडियो लेने का कोशिश किया है। ये उनका डाइनिंग स्पेस है। सारे विंडो में ना जाली लगा हुआ था, तो मुझे वीडियो लेने में थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ है, क्लियर नहीं आया। ये स्टैचू कितना अच्छा है, सुंदर है और पुराना भी है। एक कैक्टस का फ्लावर देखा, बहुत अच्छा है। কোনদিন দেখা যায় না এত বড় বড়। ये कैक्टस को देखिए कितना बड़ा है, मेरे को तो उसके सामने एकदम छोटा सा लग रहा है, और बीच में से एक टहनी निकला है, कितना ऊंचा है ये। बहुत सारा ऑरेंज होके रखा है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। होले ही फुलटा हो जावे। ये जो हाउस है, ये है उन लोगों का केयर टेकर का हाउस। इसके अंदर भी बहुत सुंदर है। अंदर से देखिए कैसे थे केयर टेकर्स लोगों का हाउस। ओ, ये भालू का स्केलेटन है। गाछेर के नाम आवाज। चलो इसमें थोड़ा सा बैठ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पेड़ का हवा में इतना आराम लग रहे थे, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। एकदम पीसफुल शांति है जैसे, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।